हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक बहुत ही डरावनी और सच्ची कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है एक होटल की। तो अगर आपको जानना है कि उस होटल के 6th फ्लोर में ऐसा क्या हुआ था तो इस वीडियो को पूरा सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है मिस्टर रमेश की। तो आज मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से इस कहानी को आपको बताऊँगा। कुछ साल पहले मुझे बंगाल के एक छोटे से शहर में फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ा, जहाँ काम ख़त्म होते होते मुझे काफ़ी लेट हो गया था। इसलिए मैं उस फैक्ट्री के पास वाले होटल में जाकर ठहर गया। जब मैं पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि सारे रूम्स फुल हो चुके हैं, काफ़ी रात हो चुकी थी और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। इतनी देर रात में कहाँ जाता। मैंने रिसेप्शनिस्ट से बहुत रिक्वेस्ट करा और मेरी लाख मिन्नतों के बाद उसने 6th फ्लोर पर एक रूम दे दिया। लेकिन रूम में जाते जाते उसने मुझे एक बात बोली जिसे सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने बोला कि आप अपना रूम 12 बजे के बाद बिल्कुल मत खोलिएगा। मैंने उस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और उसे पानी की बोतल भिजवाने के लिए बोलकर मैं अपने रूम में चला गया। मैं इतना थका हुआ था कि मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। मैं सो ही रहा था, मेरे रूम पर धक 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 की आवाज़ हुई। मुझे लगा फाइनली पानी की बोतल आ गई। मैंने उठ के देखा तो कमरे में एकदम अंधेरा था और शायद होटल की लाइट भी चली गई थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तब मैं नींद में ही था, तो मैंने टाइम पर ध्यान नहीं दिया। दरवाजे पर एक आदमी था जिसने पूरा मुंह एक सफ़ेद शॉल से ढका हुआ था। उसके एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में पानी का बोतल था। जैसे ही पानी का बोतल लेने के लिए आगे बढ़ा, वो आदमी थोड़ी पीछे हो गया और होटल के बालकनी की तरफ चलने लगा। मैं उस पर चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन वो मेरी बात ही सुन ही नहीं रहा था। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। वो एक पल के लिए रुका और पीछे मुड़ा, और जैसे ही मैंने उसे पानी छीनने की कोशिश की, वो आदमी मेरे ऊपर जोर से चिल्लाया। उसकी साल उसके मुंह से हट गई। मैंने जो देखा वो देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। उस आदमी की आंखें नहीं थी, सर ऊपर से खुला हुआ था और पूरा चेहरा जला पड़ा था। मैं एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा गया और तुरंत अपने कमरे की ओर वापस भागा। मैंने देखा कि घड़ी में 1:30 बज रहा है और तब मुझे उस रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई। तभी मेरे रूम में वापस धक धक हुई और मैंने इस बार दरवाज़ा नहीं खोला और रिसेप्शन पर कॉल लगाया। रिंग बजती रही लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। मैं सारी रात दरवाजे पर धक धक की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर गया था। और सुबह सूरज निकलते ही मैं रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उसे खूब डांटा। तब उस रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले रात के 12 के बाद उस होटल के 6th फ्लोर पर एक आदमी ने खुद जलाकर सुसाइड की थी। उसके बाद से उस आदमी की आत्मा उसी फ्लोर पर भटकती है और उस रूम में रुकने वाले लोगों में से कुछ लोग को 6th फ्लोर की बालकनी से गिराकर मार चुके हैं और इसलिए वो 6th फ्लोर का किसी को रूम किराए पर नहीं देते हैं। रिसेप्शनिस्ट की ये बातें सुनकर मैंने खुद को खुशनसीब माना कि मैं जिंदा हूँ और सुबह सुबह उस होटल से चेकआउट किया और वापस अपने घर को आ गया। उस दिन के बाद से मुझे आज तक रात के 12 बजे के बाद घबराहट महसूस होती है और उस आदमी का डरावना चेहरा मेरे सामने आ जाता है, और इसलिए मुझे नींद की गोली भी लेनी पड़ती है क्योंकि मैं ढंग से सो नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची हॉन्टेड स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड स्टे सेफ।